वारस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह जो 36 दिन बाद फड़े गए ने फरार के समय जो अंडरग्राउंड से तो एक वो कोल कनेडा का मोबाइल नंबर से उस मोबाइल के नंब जरिए ही वो अपने साथियों के नाल गलबात करता रहा। उस कोई सिम नहीं पाया सी, सिर्फ क्योंकि हरियाणा तो एक डोंगल खरीदा हुआ सी, वाईफाई डोंगल सी उहदे कोल, जिस करके वो वट्सअप कॉल के जरिए अपने साथियों के नाल संपर्क विच रहा गया। इस मसले दे विच भारत सरकार ने पंजाब सरकार तो रिपोर्ट मंग ली आ कि इस पिछे जिहड़ा नंबर वट्सअप के जरिए गलबात हुंदी रही है वो किहड़े किहड़े मुल्क दे विच हुंदी रही है ते किस किस दे नाल हुंदी रही है, ये सारी पड़ताल करके रिपोर्ट सौंपी जाए। पंजाब सरकार ने इस मसले दे विच जिहड़ी रिपोर्ट मंगी सी केंद्रीय गृह मंत्रालय और रिपोर्ट दे दित्ती गई आ, और इस रिपोर्ट दे विच कहा कि इहदे च पाकिस्तानी कनैक्शन भी आ रहा, फॉरन फंडिंग भी आ रही है, और जिहड़ा कैनेडा का नंबर आ उहदे नाल इंटरनैट कॉलिंग की भी जिहड़ी गल उस सामने आई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार तो जिहड़ी अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी तो बाद जिहड़ी पूरी रिपोर्ट मंगी है जिहड़ी पंजाब सरकार ने सौंप दित्ती गई है। इस तों इलावा नैशनल इन्वैसटीगेशन एजेंसी ने भी इस संबंधी जिहड़ी अपनी जाँच आ रिपोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सौंप दिती है। एक वक् वक् अखबारों प्रकाशित खबरों के हवाले तुहाडे नाल जानकारी सांझी की जा रही है, और ये सामने आया कि जो अंडरग्राउंड से जां फरार से जां पुलिस कह रही थी भगौड़ा से, उस फरार के दौरान समय अमृतपाल सिंह विदेशी एक नंबर कनेडा का नंबर से वो वरत रहा सी, वट्सएप कॉल के जरिए वो अपने कई साथियों के नाल लिंक विच सी। भारत के गृह मंत्रालय वालों जिहड़ी पंजाब सरकार नूं अमृतपाल सिंह की फरारी तो लैके गिरफ्तारी तक अते पंजाब पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन के संबंध जिहड़ा रिपोर्ट मंगी गई है, वह रिपोर्ट दस्या जा रहा कि सौंप दी गई है, और इस रिपोर्ट विच भारतीय गृह मंत्रालय ने अमृतपाल सिंह की फरारी तो बाद उन्होंने पनाह देने वाले जिहड़े उन्होंने शरण देने वाले जिथे जिथे उन्हें ठहरिया जिथे जिथे घर ठहरिया गया वह भी पूरी डिटेल मंगी है। अमृतपाल की जिहड़ी लोकेशन मूवमेंट की रिपोर्ट भी मंगी गई है कि किथे किथे रहे ने, क्योंकि बहुत सारिया सीसीटीवी फुटेज आई सी हुशियारपुर लुधियाना पटियाला अंबाला कुरुक्षेत्र उत्तराखंड यूपी ये सारिया लोकेशन की भी रिपोर्ट मंगी गई है। इस तरह जिहड़ी नैशनल इन्वैसटीगेशन एजेंसी आ उन्हें भी अपनी रिपोर्ट दस्या जा रहा कि भारत सरकार नूं सौंप दित्ती गई है। NI ने अपनी रिपोर्ट च कहा कि अमृतपाल सिंह नूं फंडिंग अते उहदे जिहड़े पाकिस्तान की एजेंसी दे नाल भी जिक्र आ उह भी दस्या गया गा। इस तों इलावा गिरफ्तारी तो बाद यह मन्निया जा रहा है कि देश दीआं जिहड़ीआं तमाम सुरक्षा खुफिया एजेंसियां वह भी अमृतपाल सिंह कोलों पुछगिछ करनगियां। पंजाब सरकार ने गिरफ्तारियां पनाह देने वाले विदेशी फंडिंग तो इलावा विदेशी जिहड़े विदेशों विच खालिस्तानी रहे ने उन्हां दा भी जिहड़ा संबंध अमृतपाल बारे जिक्र कीता हैगा। पंजाब सरकार ने खास तौर पर अमृतपाल सिंह दे पाकिस्तानी लिंक नूं भी उजागर किया गया। हुण इह मन्निया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह दे मामले ते हुण तक 400 तो वध जिहड़े लोकां नूं गिरफ़्तार किया जा चुका सी, जिन्हां चों कईआं नूं रिहा कर दिता गया सी, पर भारत गृह मंत्रालय वालों उन्हां चेहरियां तक पहुँचना चाहुंदी है जो पर्दे दे पिछे बैठ के जिहड़े अमृतपाल सिंह दी मदद कर रहे सी। इस तों इलावा पुलिस द्वारा जिहड़े किए गए जतन ने उन्हां जतनां दी भी डिटेल रिपोर्ट मंगी गई है। हुण तक जांच विच सामने आया कि अमृतपाल सिंह फरार होने तो बाद एक विदेशी नंबर के जरिए ही अपने जिहड़े उन्होंने समर्थक से जां चाहुण वाले से उन्होंने नाल गलबात कर रहा सी। अमृतपाल सिंह ने हरियाणा तो एक डोंगल खरीदी सी, इन्ना ही नहीं उन्हें कनेडा का एक नंबर भी लिया सी जिस विच वो सिर्फ वट्सएप कॉल ही चला रहा सी, ते अपने मोबाइल च बिना कोई सिम पाया अमृतपाल सिंह कनेडा का जिहड़ा नंबर आ नंबर कोड आ वो वट्सएप दे विच फीड करके उन्हूं चला रहा सी तां जो पुलिस नूं पता ना लग सके जां पुलिस उसनूं ट्रेस ना कर सके। पंजाब विच पिछले कई सालों तो इस तकनीक दा दस्या जा रहा है कि सिर्फ गैंगस्टर ही प्रयोग करदे सन, क्योंकि पंजाब पुलिस द्वारा केंद्र नूं लिखे जाण दे बावजूद भी बिना सिम दे वट्सएप चलाउण वालिआं दे खिलाफ़ हाले तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज़्यादातर ये जिहड़ी तकनीक है ये सिर्फ गैंगस्टर ही इस्तेमाल कर रहे सी, लेकिन इस पड़ताल दौरान शुरुआती जाँच के दरमियान सामने आया कि अमृतपाल सिंह भी उहदे कोल इक कनेडा का नंबर से जिसनों सिर्फ वो वट्सएप कॉल लई ही वरत रहा सी। हुण सवाल है कि हिंदुस्तान दे विच जिहड़े फॉरन दे जिहड़े नंबर वख-वख मुल्कां दे जिहड़े नंबर ने वो इंडिया किवें पहुँच रहे हैगे ने, ये भी सब तो वड्डा सवाल है कि जिहड़े बाहर जिहड़े लोग आ रहे ने जां जदों इत्थे वो आउंदे ने घूमण फिरन जां रहण सहण
कि जिहड़े उधर दे जिहड़े वट्सएप नंबर ने वो कि इत्थे इंडिया 'च छड जांदे हैगे ने, ये भी अपने आप 'च एक हुण जांच दा विशा बन चुका। लेकिन अमृतपाल सिंह दे मसले दे विच हुण तक जिहड़ी डिटेल सामने आई है कि उन्हां कोल देश दीआं तमाम जिहड़ियां सुरक्षा ते खुफिया एजेंसियां वो भी पुछ पड़ताल करनगियां। और सब तो वड्डी गल कि जिहड़ा हुण भारत सरकार दे गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार तो NI तों रिपोर्ट मंगी आ, और इस जिहड़ा हुण तक आया कि वह एक कनेडियन नंबर यूज़ करते सी, हरियाणा तो डोंगल खरीदी सी। हुण सवाल है कि किन्ने शरण दित्ती, किन्ने पनाह दित्ती, वह भी जांच होएगी। डोंगल कितों खरीदिया है वह भी जांच होएगी। नंबर जिहड़ा कनेडियन नंबर हैगा वह उत्थे कनेडा दे विच किस दे नाम ते इशू होया, यह भी एक जांच का विषय। वख-वख मुल्कां दे विच उहने किहदे-किहदे नाल गलबात की हैगी, कौन लोग ने, उन्हां दा पछोकड़ की आ, वह भी एक जांच का विषय। तो कि पाकिस्तान उन्हां दे जिहड़े संपर्क दे विच कौन कौन लोग ने, वह भी जांच का विषय। देखते हैं कि आने वाले समय च इस मसले दे विच होर किहड़ियां पड़तां खुलदियां हैगियां ने। फिलहाल तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह देखते रहो ABC पंजाब। धन्यवाद।